ठीक है, तो टेस्ट ट्रांजिट में हम यहाँ पे क्या तारीख डाल देते हैं, 9 तारीख को मेरा गणित पूरा बैठा था, 9/5/2019। हाँ थोड़ा सा दे देना मेरे को, है ना। और टाइम क्या था, रात को हमने क्या टाइम डाला था, 20:00 कुछ था ना, 20:51, पंद्रह 20:51, ठीक यस है। ये हमने कुंडली जो है वो तत्काल उस स्थान का जो है वो हमने कास्ट कर लिया है, ठीक है। ये चार्ट दिख रहा है ना आपको, जो अभी खोला है मैंने, ट्रांजिट चार्ट अभी अभी तत्काल का। अब क्या करना है, इसके अंदर में जो लगन के सारे को रूलिंग प्लैनेट हैं उनमें एक आया मार्स, वीनस, मरकरी। कुछ कह रहा कोई, कोई कुछ कह रहा है? नहीं सर। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चारों कोरूलिंग प्लैनेट है सन मून एंड एसेंडेंट के, वो अपन मिलाएंगे इस तात्कालिक कुंडली में कि वहां पे एक आध दो साथ बात किस में जा रहे कि नहीं जा रहे। तो सबसे पहले ले लेते हैं मार्स, सन का कोरूलिंग प्लैनेट है मार्स, वीनस और मरकरी, इसको चेक करते हैं। ये खोल लेते हैं, मार्स को देखिए, मार्स जो है वो एक में है ना। और बाधक क्या बनेगा इस घर का, इस घर का बाधक बनता है नमाघर, है ना। इस तात्कालिक कुंडली के अंदर में एक में चला गया, कमिटमेंट के अंदर 8 आ गया, 9 भी आ गया, ठीक है, फाइनल कंफर्मेशन में 2 और 8 भी आ गए। तो जो मार्स है वो क्वालिफाई कर जाता है डेथ के लिए। उसके बाद लेते हैं वीनस, तो वीनस जो है उसको हम देखते हैं, यहाँ पे एक में भी है और 8 में भी है और बाधक भी है, यहाँ पे भी 2 और 8 में है और यहाँ पे भी 2 में है और 7 में है, तो वीनस भी क्वालिफाई कर जाता है। फिर लेते हैं मरकरी, मरकरी जो है वो 1, 2, 7, 8 और बाधक भाव में भी है, यहाँ पे भी 2 और 8 है, फाइनल में भी 2 और 8 है, तो मरकरी भी क्वालिफाई कर जाता है। अब और कौन सा है कोरूलिंग प्लैनेट, अब हम लेते हैं यहाँ पे मरकरी हो चुका हमारा, जुपिटर और सैटर्न लेते हैं, जुपिटर सैटर्न, मार्स भी हो चुका है ना। मरकरी हमने यहाँ पे देख लिया था, जुपिटर और सैटर्न चेक करते हैं, जुपिटर और सैटर्न डेथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो जुपिटर को देखते हैं, यहाँ पे 1 है 8 है और 9 है, यहाँ पे भी 2 है और 8 है और यहाँ पे भी 2 और 7 है, तो जुपिटर भी हो गया। सैटर्न को चेक करते हैं, जो सैटर्न है वो 2 में है 7 में है 8 में है ना। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे 1 और 8 में है, फाइनल कंफर्मेशन में भी 2 और 8 है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई यहाँ ये भी क्वालिफाई कर गया, सन का भी और मून का भी कोरोलिंग प्लैनेट। उसके बाद एसेंडेंट का लेते हैं, एसेंडेंट में हमारा रह गया राहु और केतु, है ना। तो राहु और केतु का अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो राहु जो है वो 1, 2, 7, 8 और बाधक भाव, यहाँ पे भी 1 और 8 और यहाँ पे भी 2 और 8। केतु को पकड़ते हैं तो केतु के अंदर भी सारे नंबर आते हैं, 1, 2, 7, 8 बाधक, यहाँ पे भी 7 और 8 और बाधक, यहाँ पे भी 1, 2, 7, 8 और बाधक। तो क्या हुआ, जब वो प्रश्न पूछ रहा है और वहां पे ये सारे नंबर मिलेंगे इस तात्कालिक चार्ट में भी और वहां पे भी, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये वाला जो आपका टाइम है वो डेथ के लिए बहुत फेवरेबल टाइम है, यहाँ पे डेथ हो सकती है। ये तो हमने रैंडमली लिया था, लेकिन जब आप वास्तव में किसी का पकड़ेंगे ना तो बड़ा रेयर मिलेगा, यही नहीं मिलता प्रोग्रेशन में। फिर क्या करते हैं, हम समय को आगे बढ़ाते हैं, जब हम समय आगे बढ़ाते हैं तो पता चला मून स्थान खिसक गया वहां से, है ना। ये चार्ट, करंट चार्ट और वो वाले चार्ट के अंदर तालमेल नहीं बैठता, यही मूल तरीका है आपके प्रिडिक्शन का, जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सर एक क्वेश्चन, हेलो, हाँ बताओ। तो सर ये छोटा सा क्वेश्चन सर, जैसे डे तो हम लोग फिक्स कर लेते हैं इससे अपने प्राइमरी जो हॉरोस्कोप से है, हाँ। पर ये हमें ये प्रोग्रेशन के डे में हमें चेक करना होगा कि मून उसी जा तात्कालिक रहा है या नहीं जा रहा है। कुंडली में भी जो उस समय के कोर रूलिंग प्लैनेट्स हैं, अगर उस तात्कालिक कुंडली में उस घटना को नहीं बोल रहे तो घटना घटित नहीं होगी। तो मतलब मुझे फिर ऐसा भी हो सकता है वो पूरा पीरियड निकालना पड़ जा सकता है दशा का, ऐसा भी हो सकता है देखो सर? क्या है, देखो इस केस के अंदर तो क्या था कि सारे के सारे मारक और बाधक भाव मिलते चले गए, ये जेन्युइन प्रश्न तो था नहीं, ये तो टेस्ट प्रश्न था। लेकिन जब जी कोई सर, आदमी जेन्युइन प्रश्न पूछेगा ना, तो कुदरत ऐसा है करिश्मा के, वहीं पे ले जाके आपको बोले कि यही हो सकती है, मिलेगा ही नहीं जल्दी आपको,
है ना, पानी दे देना। सर सर छोटा सा एक और डाउट था, ये हम लोग जो प्राइमरी हाउस से दशा के थ्रू हम लोग वो डे तो फिक्स कर लेते हैं, अब जो चार्ट में प्रोग्रेशन ऐसा तो होता नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रेशन तो हमारा केवल वो उस डे में उस इवेंट की टाइमिंग फिक्स करने का काम आता है, जैसा कि हम इसमें बर्थ चार्ट में भी हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में भी वही करते हैं कि घटना तो उस दिन घटित हो चुकी है। नहीं मैं, आप ठीक से पूछो ना, मैं समझ नहीं पाया क्या बोला। जय सर, मैंने एक एग्जांपल आपका ही देख रहा था वीडियो, हाँ। तो उसमें मैंने भी वही रूल लगाता हूँ जो आपने उसमें बताया हुआ है। दशाएं हमने फिक्स कर ली, उनका ट्रांजिट भी देख लिया, जो दशाओं का ट्रांजिट है वो भी फेवरेबल हाउसेस में घटना के जा रहा है, और जो डे हमने फिक्स कर लिया कि इस दिन घटना हो सकती है। अब हमने सर ये ट्रांजिट चार्ट लगाया, ये जो आपका प्रोग्रेशन चार्ट, जो मतलब प्रोग्रेशन चार्ट है उस प्लेस का जो जिस जगह घटना घटित हो रही है, बिल्कुल हाँ। पर ऐसा भी हो सकता है क्या कि ये जो डे हमने फिक्स किया उस दिन प्रोग्रेशन ना हैपन हो? प्रोग्रेशन अगर नहीं सपोर्ट कर रहा तो घटना घटित नहीं होगी। तो ये ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। अच्छा एक बात सुनो, मान लो एक जैसे इस केस के अंदर तो सारे के सारे प्लैनेट एक आध दो साथ और बाद केस में थे, है ना? तो आप ये बोलोगे कि भाई ये तो दो घंटे तक चला लगन में, सारे के सारे कोरूलिंग प्लैनेट यस बोल रहे थे, तो इस दो घंटे के पहले मिनट में डेथ क्यों नहीं हुई, दूसरे में क्यों हुई, पांचवें मिनट में क्यों हुआ, एक घंटे 10 मिनट के बाद क्यों नहीं हुआ? तो रूल क्या बोलता है कि जिस समय आपका, अब एक और टिप्स आप पकड़ लो, मैं आपको जब यहां तक पहुंच गया आप तो वो भी बता देता हूं, जिस समय घटना घटित होती है उस समय मून के स्टार लॉर्ड का संबंध घटना के मूल भाव से स्थापित करते हैं, और मून के सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड का संबंध प्रबलता से प्राइमरी और सपोर्टिव हाउसेस के साथ होता है। तो मान लो मून का जो सब सब लॉर्ड है जिस समय घटना घटित हो रही है और शादी की बात अगर हम कर रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा एक आठ दो सात और बाद केस का। स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर का मतलब आप समझते हैं, स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर वो है कि उसके अंदर केवल मारक नंबर होगा और 5, 9 और 11 जैसे नंबर नहीं होंगे, तभी वो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनेगा। अगर 5, 9 आ रहा है तो वो तो बचा रहा है डेथ केस से, है ना? तो वो स्थिति धीरे धीरे आती है, एकदम से मैं जंप करा के नहीं बोलूंगा कि ये वाला ढूंढो आप, इसी में डेथ होगी। अभी आप पहले पहचानने की कोशिश करें, आपने देखा होगा कुछ एक सांप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं देखने में, और एक जो है ना बेहद जहरीला होता है, एक बिल्कुल जहरीला नहीं होता। आपको उसका जो बेसिक डिफरेंस है वो पकड़ना आना चाहिए, और वो सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है, इसलिए मैं आपको इसमें जोर नहीं दूंगा कि आप ये वाला चीज समझो ही समझो। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, आप उसको रिकॉल कर लो। सबसे पहला, जातक ने जो भी प्रश्न किया है उसका जेन्युइननेस चेक करने के लिए मून और मून का स्टार लॉर्ड रिलेवेंट कस्प के अंदर आना चाहिए, यानी मूल भाव में आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन जेन्युइन नहीं है। दूसरा, कंडीशन क्या बनाएंगे कि यदि जातक ने अपने बारे में प्रश्न पूछा है तो लग्न को एज इट इज रखेंगे, और यदि जातक ने प्रश्न जो है वो अपने रिलेटिव के बारे में पूछा है तो उस रिलेटिव के मूल भाव को लग्न में। अगर पहली संतान के लिए प्रश्न पूछ रहा है तो जो कुंडली आपने हॉररी से कास्ट की है उसके कास्ट होने के बाद उसको पांचवें घर से रोटेट करा के पांचवें घर को लग्न बनाएंगे, फिर वहां से देखेंगे सारे घर। दूसरा कंडीशन क्या बनाता है यहाँ पे कि प्रोमिसेस चेक करते हैं लग्न से, प्रश्नकर्ता के प्रश्न के मूल भाव से और 11वें भाव से। इन तीनों में से किसी एक ने भी घटना के लिए डिनाई कर दिया, वो घटना घटित नहीं होगी। जो चौथा कंडीशन है उसके अंदर फिक्सिंग ऑफ दशा लॉर्ड्स। दशा लॉर्ड क्या है? डेथ के लिए महादशा लॉर्ड, शादी, ब्याह, बच्चे, प्रॉपर्टी या ऐसी घटना जो जीवन में 2, 4, 5, 10 बारी होती है लिमिटेड टाइम के लिए, उसके लिए हम भुक्ति लॉर्ड को टीम लीडर बनाते हैं।
ठीक है, उसके बाद जो है वो हम बाकी की दशाएं फिक्स करते हैं। कैसे फिक्स करेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी भाव लग्न, माइक को म्यूट कर लीजिए। प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस के प्राइमरी और माइक म्यूट कर लीजिए माइक, ठीक है ना। तो प्राइमरी और सपोर्टिव हाउस एक पहले भाव के साथ है ना। श्री कृष्ण जी आप अपना माइक एक बार म्यूट कर लीजिए, आवाज बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे आप देखिए कि जो प्राइमरी हाउस सपोर्टिव हाउस या पहला घर है उसके कोर रूलिंग प्लैनेट्स को आप पिक कर लीजिए और देखिए कि क्या वो इन्वॉल्व और कमिट हो रहा है, उनको दशाओं में फिक्स कीजिए, ज्यादा काम करेंगे। अगर कोई ऐसा प्लैनेट है जिसका संबंध प्राइमरी हाउस के मूल भाव से बनता है, सब सब लॉर्ड से, जैसे मैंने चार कंडीशन जो बताए थे वो भी अपना काम कर जाएगा। अब दसवें घर का सब सब लॉर्ड अगर वो 7, 5 और 11 में गया हुआ है लेकिन उसका संबंध 7वें घर से बन ही नहीं रहा है तो वो शादी थोड़ी करा देगा, उसके ब्लड में तो व्यापार है, प्रोफेशन कैरियर है, इसलिए आप उसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है, जो दशा फिक्स कर लिया आपने, फिर आपने देखना है कि डेथ केस अगर हो तो शनि गुरु सूर्य और चंद्रमा इनके साइन लॉर्ड डेथ केस में मारक और बाधक भाव के सिग्निफिकेटर बनने चाहिए और फिर वो डेथ वाले हाउस के अंदर इन्वॉल्व और कमिट होने चाहिए मारक भावों में। शनि गुरु सूर्य और चंद्रमा, चाहे इनकी दशा चले चाहे नहीं चले, ये गोचर में सहायक होने चाहिए। अगर किसी के शनि का साइन लॉर्ड मना कर दे घटना को और स्टार लॉर्ड सब लॉर्ड सब सब लॉर्ड हाँ बोले तब भी घटना घटित नहीं होगी, 2.5 साल तक भूल जाओ उसको। अगर साइन लॉर्ड हाँ बोलता है और शनि का स्टार लॉर्ड मना करता है 1 साल भूल जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक उस स्टार में रहेगा वो घटना घटित नहीं होगी। तो नैरो डाउन करने का तरीका क्या है, सैटर्न 2.5 साल में आपका जो डेथ का केस है वो 2.5 साल के लिए लिमिट करेगा, फिर उसका ट्रांजिट जो है साइन के अंदर स्टार पे होगा जो कि 1 साल लिमिट करेगा, फिर इसी 1 साल के अंदर इसी कॉमन पीरियड में जुपिटर का ट्रांजिट ऐसे साइन में होना चाहिए जो कि डेथ को सिग्निफाई करता हो, मारक और बाधक भाव के सब सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाता हो, 1 बाद केस और 8 और बाद केस के साथ जो है ना वो उसका सिग्निफिकेटर बनना चाहिए उसका साइन लॉर्ड, तभी डेथ होगी। तो वो क्या करेगा, 1 साल लिमिट कर देगा, फिर वो जिस स्टार में चलेगा वो 4 महीने लिमिट करेगा क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट एक साइन में 4 महीने रहता है लगभग। उस 4 महीने के अंदर जो सन का जो ट्रांजिट है साइन पे वो भी मारक या बाधक भाव के सब सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाएगा और 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनेगा, 1 और 8 का सिग्निफिकेटर बनेगा। फिर हम मून को लेंगे, मून का साइन लॉर्ड वो 2.25 दिन, जब सूर्य एक साइन में चलेगा तो 1 महीना लिमिट हो गया, फिर वो एक स्टार में चलेगा तो 2.25 दिन लिमिट हो गए, उसी 2.25 दिन के अंदर जो मून है उसका जो साइन लॉर्ड है वो 8वें या बाधक भाव के सब सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाएगा और 1 और 8 का, 1 और बाधक का या 8 और बाधक का सिग्निफिकेटर बनेगा, है ना। तब मारक या बाधक भाव के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट रखेगा, फिर जिस दिन डेथ होनी है उस दिन मून का स्टार लॉर्ड 8वें घर के सब सब लॉर्ड या बाधक भाव के सब सब लॉर्ड के साथ अपना संबंध बनाना चाहिए और घटना तभी घटित होगी जब मून का सब लॉर्ड और सब सब लॉर्ड स्ट्रॉन्गली यानी कि बहुत प्रबल तरीके से मारक और बाधक भाव में हो, लग्न का सब सब लॉर्ड यानी जिस समय डेथ हुई उस समय जो सब सब लॉर्ड लगन के अंदर उदय हो रहा था उसका जो संबंध है वो मून के स्टार लॉर्ड के साथ होगा, उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी, है ना। ये फॉर्मूला सभी पे लागू होगा, केवल हम दशा लॉर्ड बदल देंगे, फॉर्मूले वही रहेंगे सारे के सारे। मैरिज के केस में जो दशा लॉर्ड है उसको हम न्यूट्रल रखेंगे, वो डिनाई नहीं करना चाहिए, बस इतना ही है। भुक्ति लॉर्ड को ठीक इसी प्रकार से हम रखेंगे। मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं हुई है? सर एक बार रिपीट कीजिए। ये पूरे रूल? नहीं नहीं, ये दशा लॉर्ड, ये आप जो बता रही पांच, हाँ, जो दशा लॉर्ड है ना डेथ के लिए, हाँ, हाँ, वो हाँ, दशा लॉर्ड है क्या कोई इवेंट के लिए? किसी भी इवेंट के लिए,
अगर जैसे आप अभी मैरिज के डेथ केस के लिए महादशा लॉर्ड को हम टीम लीडर बनाते हैं, और शादी ब्याह बच्चे प्रॉपर्टी यानी जीवन में ऐसी घटना जो सिर्फ दो चार पांच दस पर ही होती है लिमिटेड, उसके लिए हम भुक्ति लॉर्ड को टीम लीडर बनाते हैं। जो साल में दो चार पांच बारी होती है उसके लिए हम प्रतंत्र दशा को लेते हैं। रोजमर्रा में होने वाली जो चीजें हैं उसके लिए हम सूक्ष्म और प्राणा लेते हैं, ठीक है ना। इसका प्रयास कीजिए, इसको प्रयास में कीजिए, प्रश्न धीरे धीरे। अभी मैंने आज थोड़ा टाइम इसलिए लगाया इसके अंदर डेथ केस के अंदर में, ये एक बार में क्लियर नहीं होएगा, ये आप आधे घंटे के बाद आप देखना, जिन्होंने नोट नहीं किया है या इस वीडियो को वो दोबारा नहीं देखेंगे ना भूल जाएंगे सीक्वेंस। ये ऐसा नहीं है कि कमजोर विद्यार्थी है, ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, दुनिया में किसी के साथ भी होगा, है ना। तो वो थोड़ा सा आपको वो सिस्टम रखनी है बना के, और ये वीडियो जो है ना वो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, है ना। ये उसकी फाइल भारी नहीं होगी, भारी होती है जब आप HD से खींचते हो, HD मूवी बनाते हो ना बहुत भारी होती है वो जल्दी नहीं डाउनलोड होती। तो आप ये एक बार को प्रयास कीजिए, जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर धीरे 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 इसी को टारगेट करते रहेंगे, फिर कुछ जेन्युइन प्रश्न लेंगे, वहां से आपको दिखेगा कि वाकई इतनी आसानी से नहीं मिलता कोई भी, अगर घटने को आप सर्च करेंगे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा अगर प्रश्न जेन्युइन होगा तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी आप आज रात को ये अपलोड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा सर। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक जिसमें अंतरा लॉर्ड फिक्स करते हैं वो केस ले लेंगे। देखो उसके बाद एक ऐसा क्लास भी होगा लास्ट का क्लास, कि आज जो है वो आप खुद टेस्ट करना, मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई आज पूरे दिन का हाल जो है ना किसी का फोरकास्ट करना हो कि ये क्या करेगा, सुबह कितने बजे उठेगा, कितने बजे टॉयलेट जाएगा, कितने बजे ब्रश करेगा, कितने बजे नाश्ता करेगा, कितने बजे ऑफिस जाएगा, है वो सारे के सारे डिटेल्स जो है ना वो आप निकाल लेना, ये भी आप कर सकते हो। कितने बजे पैसे गिन रहा होगा वो भी निकाल सकते हो, भी पहुंचा दूंगा आपको अगर आप पहुंच पाए तो, नहीं पहुंचोगे तो। सर ये पांच करोड़ फिर से बताओगे आप दशा बारे में? ये जो आपने बताया ना डेथ के बारे में, जैसे पहले शनि का फिर इसका, ये एक बार फिर बोले डेथ केस के लिए शनि को लेना है और बाकी सभी केस के लिए केवल जुपिटर सन एंड मून को लेना होता है। गणेश जी आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही? क्योंकि आप प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछ रहे, तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो वो बिल्कुल थ्रू जा रहा है या कहीं विशेष कॉन्फ्यूजन है। माइक अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हाँ जी सर, अभी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रैक्टिस से और समझ में आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा मुझे लगता है, तो कोई बात नहीं है, धीरे 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 ये क्लियर हो जाएगा। मोबाइल के ऊपर कर रहा हूँ सर, तो दोबारा जब मैं रिपीटिशन देखूंगा इसको, तो उसको फिर बैटरी कंप्यूटर पर करके फिर मैं कर लूंगा उसे। ओके ओके ओके, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब भी है हमारा, कब है नेक्स्ट क्लास? बुधवार सर। बुधवार को, तो बुधवार को हम कोई नया टॉपिक लेंगे और ठीक है, एक आठ क्लासेस हो जाएगी, उसके बाद जो है ना प्रैक्टिकल चार्ट हम करेंगे, अभी हम ऐसे ही जो है ना डमी चार्ट पे करेंगे। ठीक सर, रिकॉर्डिंग का कुछ इंतजाम मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पूरा के पूरा उसमें आता है ना? पूरा पूरा। हाँ हाँ सर। हाँ दो मिनट है तो एक चार्ट है मेरे पास, उसमें मैं गाइड कर दूंगा। अभी 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 तो नहीं, मेरी क्लास है, फिर मेरे पास टाइम पता है बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा लगेगा। मैंने रेक्टिफाई कर रखा है चार्ट, बताओ जल्दी करो या मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नहीं नहीं मुझे आप बताओ डेट ऑफ बर्थ टाइम बताओ, मैं खोल देता हूँ यहीं पे। क्या है चार्ट? 04 06 एक सेकंड होल्ड करो, होल्ड करना, होल्ड करना।